सर सवाल है कि आप लोग जो हैं करीब डेढ़ महीने से ज्यादा दिन हो गया है, लगभग दो महीने होने को हो गए हैं, आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये जो बिल लाया गया है इससे जो है आमदनी किसानों की बढ़ जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बहुत पहले कहा था, तो फिर आप लोग मान क्यों रहे इस बात? प्रधानमंत्री जी ने तो 2007 में चिट्ठी भी लिखी थी कि एमएसपी पे कानून बना दिया जा, वो तो नाबाद चली। प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कहा था कि जितना भी किसान है हम उसकी दुगनी आय करेंगे और इस नियम को लागू कर देंगे। प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। प्रधानमंत्री जी ने तो पता नहीं क्या क्या कहा था। प्रधानमंत्री जी ने जितनी बात कही उन पे अमल हुआ? 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला? नहीं मिला। किसानों की आय दुगनी हुई? नहीं हुई। स्वामीनाथन आयोग कमेटी लागू करी इस नियम में? नहीं हुई। तो भाई जब ये अपनी कही हुई बात लागू नहीं कर पा रहे तो हम क्या यकीन करें? बताओ आम जनता कैसे यकीन करेगी? अगर लागू हुई हो तो बताइए, अगर 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हो तो बताइए। भविष्य का नया सपना दिखाना एक बार बार उनके जो नेता हैं, नहीं बार बार जो उनके नेता हैं, फिर इस बात को क्यों कह रहे हैं कि 1.5 साल 2 साल तक इसको लागू होने दीजिए तभी किसानों को समझ में आएगा? क्या नहीं नहीं, इसका मतलब यह है कि हम किसी बच्चे को गोद ले पहले, उसे पाले, और उसके बाद अगर वो चोरी चकारी करने चला गया फिर उस समय सगू वापिस देखा हमें, अब भाई तो चोरी कर लगे धारा बाड़ा की, सब वापिस ले लो, कौन लेगा भाई? इतने पागल है क्या किसान? किसान मूर्ख नहीं है, किसान समझता है, किसान को पता है उसकी आय दुगनी कैसे होगी। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लगाओ, सिफारिशों को लागू करो तो वाकई में दुगनी आय होगी, और एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाओ तो किसान खुशहाल होगा। और ये खाली ये सोच रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेंगे कि जमीन, ये नहीं कहते जमीन में कब्जा नहीं होगा, कब्जा कैसे नहीं होगा? अरे आदमी कोर्ट में तो जा नहीं सकता, अरे कोर्ट तो खत्म हो गया, एसडीएम तक की ये बात करते हैं। वर्तमान में जो कोर्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये हालात है, लगभग 8,500 करोड़ रुपया अभी बकाया है किसानों का, जो मिल मालिकों पर बकाया है। वो कोर्ट के माध्यम से वो तो हो नहीं रहा, कोर्ट में जाएगा किसान क्या करेगा? किसान कोर्ट में ही रहेगा क्या? सवाल है मेरा सर आपसे, हाँ, कि कह रहे हैं क्योंकि आप जो हैं बुजुर्ग भी हैं, काफी एक्सपीरियंस भी है आपको, कह रहे हैं कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, किसान भाई समझ क्यों नहीं रहे? किसान खुद समझ रहे हैं, इसी वजह से रोड पर आ गए, किसान समझ कर ही रोड पर आए हैं। किसान की आय दुगनी नहीं होगी। एक बड़े साधारण सा उदाहरण दे रहा हूँ, ये एयरटेल वगैरह के ये जितने टावर बने हैं, केवल उस टावर को जरा सा कोई किसान खाली करा ले तो टावर वाले नहीं खाली करेंगे, टावर नहीं वाले नहीं खाली करेंगे, वही हैं सब, वही हैं। ठीक उसी तरह से या कंटेक्ट बेसिस पर जब दे देंगे तो कंटेक्ट बेसिस पर दे करके हमें उगुना दुगुना ढाई गुना तीन गुना दे करके 2 साल तक फंसा लेंगे, तीसरे साल हमें कर्जा की भी जरूरत पड़ेगी तो दे देंगे, लेकिन 2 साल के बाद तीसरे साल ये कहेंगे कि अब हम नहीं देंगे। राजनाथ सिंह तो ये कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह गद्दार, मोदी गद्दार, कंप्लेन अगर आप लोग कर, हाँ हम साक्ष्य दूंगा, आप मुझे मोदी के पास दम हो तो इस कलाई खाली है इसमें हथकड़ी लगा ले, लेकिन पूरे चैनल को खोल दे, बहस हो जाए हमसे और मोदी से, मेरे को जितने पॉइंट पर मोदी बात करना हो वो अपने मन की बात करते हैं, हम वो अपने मन की बात करते हैं, लेकिन हम अंग्रेजों से, हमारे पूर्वज अंग्रेजों से भी लड़े हैं, अंग्रेजों की लड़ाई हमने देखा है, 8-7-38 का पैदा हूँ, 1938 का पैदा हूँ, मैंने सब कुछ देखा है। ये बेईमान 73 वर्ष का प्रधान पीएम का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 73 वर्ष में आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिला जो झूठ बोलता रहा हो, झूठ बोला हो। राजा काम की डंका बज रही है, सराहना हो रही है इनके काम की, वो दिने डंका वही बजाते हैं। मोदी भाजपा के, भाजपा से नहीं आया है मोदी, मोदी भाजपा, भाजपा से नहीं आया है मोदी, आरएसएस से आया है, आरएसएस से आया है मोदी, भाजपा का नहीं है, आरएसएस का है। आरएसएस कहाँ की है? अमेरिका की पार्टी है, अंग्रेजों की पार्टी है, ये विदेशी हैं, ये काले अंग्रेज हैं, इस वजह से हम भारतवासियों को बेचना चाहते हैं। वह है आज़ादी थी तो काले अंग्रेज कुर्सी से छका लिए, 73 वर्ष के बाद किसानों की नींद खुली है, और यह लड़ाई हम जीतेंगे और जीत करके घर जाएंगे, बिना जीते ये मस्ती पर कानून लेंगे, तीनों काला कानून वापस कराएंगे। अरे नहीं, उनके नेता क्या कह रहे हैं? उनके नेता तो वो कह रहे हैं, जो ऊपर से पटका आ रहा, जो पर्चा आ रहा है तो वो बोल रहे, वे अपने विवेक से कोई भाषण दिया किसी नेता ने? उनका विवेक तो खत्म ही हो गया। बात यहाँ जमीर की बात यदि करें, जमीर की और जमीन की बात यदि करें, तो हमारी जमीन है, हम भारत के लोग हैं और आजाद भारत है,
हम कहीं भी जा सकते हैं, लोकतांत्रिक देश है, कहीं भी जाकर अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं और शांति के साथ हम अपना आंदोलन कर रहे हैं। वे तो खालिस्तानी भी बता रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, उनके कहने से थोड़ा ही हो जाएगा कोई। अच्छा, एनआईए की जो है काफी सारे किसानों पे जो है जांच बैठ रही है, कौन जांच बैठ रही है, काफी सारे छापेमारी चल रही है। तथ्य है छापेमारी चले, जांच बढ़ रही है, छापेमारी चले, जगह जगह रोक लगा रहे हैं। जितना है देखिए, अंग्रेज जो है लड़ने के लिए किसी भारतवासी को सामने नहीं आने देता था, ठीक उसी तरह से काला अंग्रेज है। पार्लियामेंट क्या इसके बाप का है क्या? परेड ग्राउंड क्या इसके बाप का है क्या? परेड ग्राउंड इसके बाप का है क्या? राष्ट्रीय ध्वज क्या इसके खानदान में कोई अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा है क्या? 543 सांसद हैं, एक भी सांसद कह दे कि उसके बेटा की कोई सीमा पर है क्या? उसका बेटा ही इन 543 सांसदों में ये कोई कह दे कि हाँ उसके पूर्वज जो है अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा है? ये सब हैं कमीशन खोर, घूस खोर, रिश्वत खोर और आरएसएस से। प्रधानमंत्री की मानेंगे, हम मानेंगे लिखंत परत में कानूनी मस्ती पर कानूनी दर्जा दो और तीनों काला कानून वापस लो। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, एक सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बार वीडियो है जो वायरल हो रहा है, ये कह रहे हैं कि किसान भाई जो है मुद्दे से भटक रहे हैं, तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज की मांग करना चाहते हैं। देखिए, कोई भटका हुआ नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, सीधी सीधी बात है। क्यों ऐसे गुमराह कर रहे हैं देश की जनता में? पहली तो बात यह है, आप हमसे प्रश्न पूछते हैं, मैं एक थोड़ी सी एक बात बता दूं, आप हमसे प्रश्न पूछते हैं लेकिन आप सोशल मीडिया हैं, लेकिन जो टीवी वाली जो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मुझे ऐसा माइकल लाल बता दो जो प्रधानमंत्री से रूबरू होकर क्वेश्चन पूछता है और उनकी आंखों में आंखें डाल के क्वेश्चन पूछता है, ऐसा मुझे आज तक एक भी पत्रकार नजर नहीं आया। जो नजर आए वे नजरअंदाज कर दिए गए। 4-5 है आज तक चैनल, नाम बता रहा हूँ, आज तक आर भारत, 1-2 हो रहे, इन्होंने आज तक कोई क्वेश्चन करा? आपने क्वेश्चन कैसे होने चाहिए थे? एनआईए का क्या काम है? जांच एजेंसियों का क्या काम है? वे दाल का पता करेगी क्या? वे आटे का मालूम करेगी कि भाई किसके किसान के घर से कितना आटा आ रहा? जांच बैठाई क्यों जा रही है? नहीं, नहीं, वही तो बात है ना, ये बैठाई क्यों जा रही है? बढ़िया बात करी आपने। जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है वो डराने का काम करता है, जो सच्चाई से भागता है वो अपने झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ की एक कतार बनाता है। क्योंकि सच्चाई जो है, आज सच्चाई क्या है? आज सच्चाई झूठ के पीछे लट लेकर ठाव ठाव फिरी भगाती फिर रही। और सच्चाई ये है, ये जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये जो आम जनता किसान जो यहाँ पे रोड पे आ गया, ये सच्चाई है। और ये जो झूठ है ये अंदर एसी में बैठ के वहाँ पे मस्ती ले रहा है झूठ। प्रधानमंत्री जी मोदी जी एक तरफ ये कह रहे हैं कि किसान भाई मुद्दे से भटक रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मांग क्या है इनकी, उधर हेमा मालिनी जी कह रहे हैं कि ना समझ है, किसान भाई को पता ही नहीं है। देखिए, हेमा मालिनी जी पहले समाजवादी में रही तो समझ में हेमा मालिनी को आता था। मोदी जी जो कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, तो मोदी जो है अडानी और अंबानी के गोद में खेल रहे हैं। तो जो अडानी कह रहे हैं, जो अंबानी कह रहे हैं, वह मोदी बोल रहे हैं। कहे से यह बिल पास होने के पहले ही अडानी अंबानी का गोदाम जो है मोदी जी बनवा दिए। अब समय ऐसा आ गया, किसान जाग गया, तो अडानी कह रहा कि अगर वापस लिए इस बिल को तो हमारा कईयों अरब का, कईयों हजार अरब रुपये का खर्च करके हम गोदाम जो पूरे हिंदुस्तान में बनवा दिए हैं उसका क्या होगा? तो अगर 83 आपने कभी ऐसा देखा था? ऐसा नहीं, कभी नहीं। अंग्रेज भी नहीं ऐसी बदतमीजी नहीं किए, अंग्रेज भी लड़ते थे तो ऐसी किसानों के साथ बदतमीजी नहीं किए। ना ना ना, आप ही ने तो वोट देके जिताया आप लोगों ने। हम लोग बहुत अत्याचार अबकी बार भाजपा, सुनिए, अरे हम वोट देकर जिताए हैं तो हमसे बांड नहीं, हम भाई भर दिए थे कि तू हमारा खेती बेच देगा तो हम इतराज नहीं करेंगे। अगर ये पहले अपने एजेंडा में लाया होता कि हम क्या ऐसे करेंगे तो हम वोट नहीं दिए होते। आखिरी क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम सिर्फ अपनी जनता से ये कहना चाहते हैं, हमारे जो नौजवान भाई हैं वो भी सुने, हमारे जो बुजुर्ग हैं वे भी सुने, हमारी माता बहनें भी सुने। देखिए, देश में शिक्षा का स्तर बिल्कुल जीरो हो गया है, देश में किसानों की हालत बिल्कुल खत्म हो गई है, छोटे व्यापारी लोग बिल्कुल खत्म हो गए हैं। आप सबसे यही संदेश है, ये जो 3 नियम है इनका बिल्कुल खुलकर विरोध कीजिए। और अगर सरकार कानून वापस भी नहीं लेती, आप ये बात मान लीजिए, अगर इसको वापस नहीं लेती आपको इसका विरोध तब तक करना है जब तक इलेक्शन नहीं आ जाते, और जब इलेक्शन आते हैं तब आपको अपने विवेक से निर्णय लेना है, सरकार हटानी है
या इस सरकार को फिर दोबारा से ला के अपनी जमीन, अपना ईमान, अपने आप को मजदूर बनाकर इस देश में आपको गुलामी की तरह जिंदगी जीनी है, ये फैसला आपका होगा। क्या लगता है कि सरकार, सरकार सरकार हमसे है यार, हम सरकार है, असली गलत फहमी का शिकार है अगर जोन से चार नुमाइंदे हमने बैठा रखे। सरकार आज तक ऐसी नहीं रही, जब तक हमने चाहे सरकार रही, और जब हम नहीं चाहते सरकार चली जाएगी। इस अब की बार ऐसा ही होगा, आप नियम मत लो, सरकार भी चली जाएगी, नियम भी चले जाएंगे, दूसरी लावेंगे, दूसरी हटावेगी, ऐसी ताकत हम है, सरकार नहीं, हमारे चुने हुए लोग हैं। और हम 5 साल 7 साल जब तक पिज्जा बर्गर आपको खाना है खा लीजिए, आपके किस्मत का है, लेकिन आने वाले समय में हम आपको ना पिज्जा बर्गर खाने देंगे और ना ही अपने अनाज की रोटी खाने देंगे।